मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी टेट से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है, जो पीएनपी की तरफ से आदेश जारी किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब जो नए प्रमाण पत्र हैं जिनके पुराने वैलिडिटी जिनकी समाप्त हो गई थी, उनकी आशंका की जा रही थी कि उनको नए प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। उसके बारे में उससे रिलेटेड एक आदेश आज पीएनपी की तरफ से आ गया है जो कि आज 12 तारीख है और 12 तारीख को इन्होंने जारी किया है। तो आइए देखते हैं उस आदेश को और समझते हैं पूरी बात को। अब देखिए यहाँ पर जो आदेश है, उस सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सेवा में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, समस्त प्राचार्य उपनिदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA। ये दिनांक आप देख रहे होंगे कि 12 तारीख का जो है आदेश है, यहाँ पर आज की ही डेट का ये आदेश जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के वैधता के संबंध में है। आप सभी लोगों को अवगत है कि जो सरकार ने यहाँ पर जो NCT ने जो है गाइडलाइन जारी की थी कि सभी के जो प्रमाण पत्र हैं पुराने वो सब लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अब हो गए, यानी 5 साल की वैधता के साथ अब ना होके आजीवन मान्य हो गए। ऐसा एक आदेश पहले जारी किया गया था, लेकिन शंकाएं ये बन रही थी कि उनके अब नए प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, तो यानी अब यहाँ जो आपके पास प्रमाण पत्र है उसे ही संभाल कर रखना है, यानी उसकी जगह पे आपको नया प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आप इस लाइन्स को पढ़ के देख सकते हैं और जैसे ही पढ़ेंगे आपकी पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 16/6/2021 द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों को पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र, यानी पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र जो 2011 से जो है निर्गत हैं, उन्हें अंकित वैधता को परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से आगामी 5 वर्षों के लिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगामी 5 वर्षों के स्थान पर रीवैलिडेटेड करते हुए आजीवन मान्य माना जाए, यानी उन्हीं को ही मान्य माना जाए जो आपके पास हैं, उन्हें ही मान लिया जाए कि आजीवन आपको अब नया प्रमाण पत्र देने की पीएनपी की कोई अब जो है इच्छा या सहमति वहां पर नहीं बनी है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, यानी अब आपको पुराने ही प्रमाण पत्र अपने जो हैं वो संभाल के ही रखने हैं, यानी जो नए परीक्षाएं होंगी उन्हें वो निर्गत करते रहेंगे। अब आजीवन मान्यता के साथ लिखा हुआ होगा उस पर, लेकिन पुराने पर आपके मान लिए जाएंगे, हर जगह कहीं भी लगाएंगे, लेकिन उसमें अब वहाँ संशोधन होकर नए प्रमाण पत्र उनकी जगह पर नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और आसानी से चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।